जो लोग मुक्ति की चाह रखते हैं उनके लिए ये आयाम जिसे हम महाकाल कहते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकाल मंदिर ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें नाम देना उन्हें सीमित और छोटा करने जैसा है। साथ ही साथ उनके कई सारे नामों का संग्रह भी इस अवर्णीय रहस्य को प्रकट करता है कि वो कौन है या इस अवर्णीय रहस्य को कि ये सृष्टि क्या है। उनके तमाम रूपों में काल भैरव या महाकाल एक महत्वपूर्ण और साथ ही उग्र रूप है। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी हैं। काल भैरव के रूप में वो समय के विनाशक हैं। काला मीन्स टाइम। काल का अर्थ है समय। समय का आपको जो अनुभव है वो बस अस्तित्व का चक्र में घूमना है। पृथ्वी एक बार घूमती है वो एक दिन होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे एक महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो एक साल हो जाता है। हर चीज जिसे आप समय मानते हैं आपकी घड़ी भी चक्रों से जुड़ी है। हर चीज जो भौतिक है वो चक्रीय प्रकृति की है। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक हर चीज जो भौतिक है वो स्वाभाविक रूप से चक्रीय प्रकृति की है और अपने भौतिक अस्तित्व के कारण और आप जो हैं उसकी भौतिक प्रकृति के साथ आपके जुड़ाव के कारण आपको समय का बोध है। अब आप यहां बैठे हैं क्योंकि आपके पास एक शरीर है इसलिए वो समय का हिसाब रख रहा है। जब आप जीवन की चक्रीय गति से मुक्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने मुक्ति पा ली है या मोक्ष पा लिया। तो जो लोग मुक्ति की चाह रखते हैं जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये आयाम जिसे हम महाकाल कहते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ महान संत शुक्राचार्य Who was the guru for all the demons? जो दानवों के गुरु थे उन्होंने शिव की भक्ति में घोर तपस्या की और शिव को प्रकट होना पड़ा। जब वे प्रकट हुए तो शुक्राचार्य ने अमर होने का वरदान मांगा। फिर शिव बोले यह संभव नहीं है, जो भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, कुछ और मांगो। फिर शुक्राचार्य ने कहा मुझे कायाकल्प की शक्ति दीजिए जिससे मैं किसी भी तरह के घाव किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। शिव जो परम उपचारक हैं सभी जड़ी बूटियों और औषधियों के स्वामी होने के नाते शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र दिया। वो मंत्र जो लोगों की किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी तरह के घाव या चोट को ठीक कर सकता था। जब शुक्राचार्य को यह संजीवनी मंत्र मिल गया तो दानव बहुत ही निडर हो गए और वे युद्ध के बाद युद्ध छेड़ने लगे। सभी दानव जो युद्ध में जख्मी हो जाते थे किसी भी तरह के गंभीर घाव से शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते थे। तो इस वजह से दानवों की सेना एक भी आदमी खोए बिना
लगातार लड़ सकती थी। देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि यह बहुत अन्यायपूर्ण युद्ध है, क्योंकि आप चाहे कितना भी लड़ लें, वे मरते ही नहीं, मगर हम मर जाते हैं। तो वे ब्रह्म के पास गए। ब्रह्म ने हस्तक्षेप किया और शिव से कहा, आपने शुक्राचार्य को इस तरह की शक्ति दी है, आपको उन्हें मारना होगा, नहीं तो दुनिया में पूरी तरह असंतुलन आ जाएगा। In the world. दानव देवताओं के खिलाफ अनुचित फायदे में हैं। फिर शिव बोले, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें काबू में कर लूंगा। तो जब देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था, शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे और सभी दानवों की चोटों और घावों को ठीक कर रहे थे, तभी सीमा के पार से एक खतरनाक जीव, एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था, एक भयानक रूप में प्रकट हुई। वो शिव की एक गण थी। उसने आकर शुक्राचार्य को अपनी कोख में खींच लिया और वे वहां एक भ्रूण की तरह रहे और वे काबू में आ गए। फिर देवताओं और दानवों के बीच संतुलन कायम हो गया, अधिक उचित और न्यायपूर्ण युद्ध लड़े गए। फिर ब्रह्म बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा, सिर्फ महाकाल ही ऐसा कर सकते हैं, इंसान को मारे बिना वो पूरी तरह उसके जीवन को काबू में कर सकते हैं। शुक्राचार्य कृतिका की कोख में ही रहे और संजीवनी मंत्र बेकार हो गया। या दूसरे शब्दों में, महाकाल ने शुक्राचार्य के लिए समय को रोक दिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके। जब हम परे जाने की बात करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता, योग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सकें, क्योंकि समय और स्थान अस्तित्व की भौतिकता से जुड़े हैं। एक बार आप आध्यात्मिक होने की चाह करते हैं, उसका यह अर्थ है कि आप भौतिक से अधिक कुछ होने की चाह कर रहे हैं। एक बार आप भौतिक से कुछ अधिक हो जाते हैं, That means you are aspiring to be beyond. उसका अर्थ है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। आलो न जानाति तव जननम। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। यह आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एकमात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है, वो शमशान से लाई गई ताजा राख है, क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनाए रखती है। दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि We're getting so bloody civilized. हम इतने सभ्य होते जा रहे हैं, अब शायद कुछ आंदोलनकारियों के विरोध के कारण वो शमशान की राख का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो गाय या बैल के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ी चीज नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है। अगर हम शमशान से राख लाएं और कोई दूसरी राख लाएं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। अनुभव के स्तर पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए।
क्योंकि महाकाल का स्वभाव यही है। इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आप इसे कोमलता से करना चाहते हैं तो हमारे पास यहां सब कुछ है। अगर आप उसे जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप वाकई जोर का धक्का चाहते हैं और आप कमजोर दिल वाले नहीं हैं, तो महाकाल मंदिर एक अद्भुत प्रक्रिया है।